प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अपर फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, ये सुंदर दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर वो सारी अच्छी चीजों के लिए जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। हमेशा आप हमें हर दिन हमें नए वचनों में लेके जाते हैं और नए नए बातें बता रहे हैं और सिखा रहे हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, कहीं पे भी हमें समझ नहीं आता है तो आप हमें आसान तरीके से आप हमें बताते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। हमेशा आप हमें सिखाते हैं, वचनों में लेके जाते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो आप हमें सिखाते हैं पवित्र आत्मा, उसको हम दूसरों को भी जाके हम बताते हैं। और आपका वचन पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपने जो कहा है प्रभु यीशु, आपका शब्द सच में, प्रभु यीशु, आपका शब्द ने हमारा जिंदगी पूरी तरीके से बदल दिया है। और रोज जब हम आपसे सीखते हैं प्रभु यीशु, जब हमें पवित्र आत्मा सिखाते हैं, तो हमें बहुत सारी बातें, हमें जो पता नहीं था हमें पता चलता है प्रभु यीशु। और यही सच्चाई, ये सच्चाई आपका शब्द हम दूसरों को जाके हम बताते हैं प्रभु यीशु। और पवित्र आत्मा, आपके मदद से ही हम दूसरों को हम बता सकते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके मदद से हम दूसरों को बताते हैं पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं, जो आप हमेशा हमारे साथ होते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आपको। और आज आप हमें पवित्र आत्मा, जो आप हमें सिखाने वाले हैं, वचन में लेके जाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, उसको आसान तरीके से आप हमें बताइएगा। हमेशा आप, हाँ पवित्र आत्मा, आप हमें आसान तरीके से बताते हैं ताकि हम वचन में हम चले। आप हमें जैसे बता रहे हैं पवित्र आत्मा, हम वो वचन को हम अपने जीवन में अप्लाई करें और दूसरों को भी जाके हम बताएं। और जो आत्माएं जो भटक गए हैं, उसको हम, वो आत्माओं को हम पिता परमेश्वर के पास लाए, उन सभी को हम पिता परमेश्वर के राज्य में लाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमेशा हमें सिखाने के लिए, हमेशा साथ रहने के लिए। और हमेशा आप क्लास में हमें सिखाते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और हम आपको सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम से हम आपको देते हैं। आमीन, आमीन, थैंक यू जीसस। प्रज्ञा एवं मार्गदर्शन के संबंध में, सत्य का आत्मा मुझ में निवास करता है और वह मुझको सभी चीजों की शिक्षा देता है, और वह सत्य के संबंध में मेरा मार्गदर्शन करता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि हर परिस्थिति एवं हालात से निपटने के लिए मेरे पास उत्तम ज्ञान है, क्योंकि अब मेरे पास ईश्वर का ज्ञान है,
मैं सारे हृदय से ईश्वर पर भरोसा करती हूँ और मैं अपनी समझदारी पर निर्भर नहीं हूँ, वह मेरा मार्गदर्शन करता है। मैं उसे स्मरण करके अपने सभी कार्य करती हूँ और वह मेरा मार्ग निर्देशन करता है। मेरे संबंध में प्रभु सब उत्तम करेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन भरपूर मात्रा में और संपूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ मेरे अंदर वास करता है। मैं भला चरवाह का अनुसरण करती हूँ और मैं उसकी आवाज पहचानती हूँ। किसी अपरिचित आवाज का मैं अनुसरण नहीं करूंगी। प्रभु यीशु क्रिस्त को मेरे लिए बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, शुद्धता एवं छुटकारा बनाया गया है। इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे पास ईश्वर की प्रज्ञा है और मैं अभिषिक्त प्रभु यीशु क्रिस्त में ईश्वर की धार्मिकता हूँ। बुद्धि और आध्यात्मिक समझ के साथ मुझे ईश्वर के ज्ञान से भर दिया गया है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में एक नई रचना हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त में बनाया गया उनका कारीगरी हूँ। इस कारण मेरे पास प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और ईश्वर का ज्ञान मेरे अंदर निर्मित है। हालेलुया। मैंने पुराने मनुष्य के रूप को हटाकर नए मनुष्य के रूप को धारण किया है। जिसने मेरी रचना की है उसने मुझको समझदारी के साथ अपने अनुरूप नवीन बना दिया है। मैंने उनके ज्ञान में प्रज्ञा का आत्मा और ज्ञान का रहस्य प्राप्त किया है। मेरे समझ की आंखें प्रकाशमान हो रही है। मैं इस संसार के सदृश नहीं हूँ, परंतु मेरे मन का नवीकरण के द्वारा मेरा परिवर्तन हुआ है। ईश्वर के शब्द के द्वारा मेरे मन का नवीकरण हुआ है। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू अपर फादर। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। ओके, हम ना कल जो हम सीख रहे थे, प्रेज गॉड, तो हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। दूसरों को दो, तुम्हें भी दिया जाएगा। वे पूरा नाक दबा दबा कर और हिला हिला कर बाहर निकलता हुआ तुम्हारी झोली में उधेलेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हमने स्कूल में आप सभी ने हम जब स्कूल गए थे, आप प्रेज गॉड, आप और मैं, ठीक है? जब हम स्कूल गए थे तो हमें प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड ब्रदर धवल। ब्रदर धवल आपको स्टार्ट करना है। हाँ, ओके, कर दिया ब्रदर। ओपनिंग प्रेयर कर दिए। ओके, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से थैंक यू। जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर
हम बहुत बार देखते हैं कि हम जब परमेश्वर का सुसमाचार हमारे पास आता है, किसी जैसे कोई फैमिली मेंबर के थ्रू या हमारे कलीग्स के थ्रू या हमारे किसी के थ्रू, तो हम जब परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एज हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा लॉर्ड गॉड, तो हम मन में विश्वास करते हैं, हमारे जैसे विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम बॉर्न अगेन हो गए, हमारा नया जन्म हुआ है। हम एक वचन निकालेंगे सिस्टर, एफिशिएंसी इफिसियो की पत्री चैप्टर 4:24। एफिशिएंस, एक कोई बात नहीं मिनट, एफिशिएंस 424, जी, 23-24 भी रहे चलेगा। मैं एक मिनट बदल कर, तो इसमें लिखा हुआ है, आप निकालिए सिस्टर, मैं पढ़ता हूँ मेरे पास। और नए मनुष्यत्व, तुम हमारे नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यानी हमारे नए मनुष्य बॉर्न अगेन होना मतलब क्या है? हमारे कभी कभी दुनिया के लोग के सामने हम ये वर्ड यूज करते हैं कि मेरा नए तरीके से जन्म हुआ, तो वो लोग अचंभे में आते हैं। हम भी पहले थे बॉर्न अगेन, हम आत्मा में होते। क्यों आत्मा में होते हैं? हमारा परमेश्वर जो सृष्टि रचता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा फादर, वो खुद एक आत्मा है। हम और हम क्या है? हम भी भी एक एक आत्मा आत्मा, है, वी आर ऑल्सो अ स्पिरिट स्पिरिट बीइंग। बीइंग, वी आर नॉट अ स्पिरिचुअल मैन, वी आर अ स्पिरिट बीइंग। पहले में हम ऐसा बताते स्पिरिट मैन, नहीं, हम खुद एक आत्मा है। जब हमारा नया जन्म, नई रीति से जन्म होता है, नई रीति से जन्म होना यानी सिंपल है कि हम परमेश्वर के को जानते हैं, हम के ये परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके हमारे ऐसे मन से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, तो क्या हो जाता है कि अब जो हमारा आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक हो जाता है, यूनाइटेड यूनाइटेड हो जाता है, जुड़ जाता है। या ये उसके कहते हैं हमारा परमेश्वर से बॉर्न अगेन होना। अब बॉर्न अगेन होने के बाद बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग जब शुभ समाचार गुड न्यूज प्रचार करते हैं, बोलते हैं तुम प्रभु येसु को ग्रहण करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तुम्हारे लाइफ में से सारी प्रॉब्लम्स सारी चीज दूर हो जाती है। ये बहुत बोलते हैं ना, तो ये कहीं के रीत से गलत सुसमाचार प्रीच किया जाता है। मे भी उनको नहीं पता होगा, मे भी वो हो सकता है, हमने भी ऐसा किया है पहले जब नहीं पता था। हम जब तक इस धरती पे जीते तब तक समस्याएं वगैरह आती ही रहती है, क्योंकि हम एक हम फिजिकल लाइफ में हम हैं, शरीर में हैं, शरीर में। लेकिन परमेश्वर ने हमें उसका वचन दिया है, वचन से हमें परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर हम कोई भी परिस्थिति कुछ भी चीजों के लिए हम परमेश्वर के वचन के थ्रू चले, आत्मिक रीति से हमें चलना है। तो लोग हमें कहते हैं कि मैं तो ब्रदर बॉर्न अगेन हो गया, लेकिन मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, मेरे लाइफ में कोई ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक परमेश्वर का वचन है जो मुझे पता नहीं है कि जब हमारा बॉर्न अगेन हो गया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर, तो हाँ, सारी चीज। मैं 633, हाँ, आप यो हाँ निकालेंगे सिस्टर? निकालती हूँ। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य यानी किंगडम ऑफ गॉड, हेवन, किंगडम ऑफ और हेवन, हाँ किंगडम ऑफ हेवन, और
तुमसे जो धर्म भावना वह चाहता है उसकी चिंता करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाए। ये सिस्टर इसमें इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और दूसरे वर्जन में लिखा हुआ है कि तुम भाई कि तुम उसके धार्मिकता की खोज करो, प्रेज गॉड, तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दुनिया का, जो हम अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, तो वहां पर कोई कैशबैक वगैरह कुछ होता है तो वहां पर उनकी टर्म्स एंड एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट मार्क होता है, स्टार मार्क जैसा एकदम छोटे से, तो उसको अगर हम वो करते तो उधर नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी कि भाई ऐसा है तो ही आपको ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फलाना। प्रेज गॉड, हमारे परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं मांगते क्योंकि प्रभु येसु ने सारे दाम चुका दिया है, राइट, सारा चीजें। लेकिन अब परमेश्वर, जैसे कि परमेश्वर ने तो सब कुछ कर दिया है, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज कंप्लीट ऑन द क्रॉस, नाउ हमारी बारी। तो क्या जिस परमेश्वर को हमने ग्रहण किया है, हम कहते हैं वी आर अ क्रिश्चियन बोलते हैं, कैथलिक, ये मसीह, बॉर्न अगेन बहुत कुछ बोलते हैं नाम है, तो क्या हम उस परमेश्वर को नहीं जाने? वो परमेश्वर ऐसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके राज्य क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? ये वचन यही सिखाता है, ये वचन सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, उससे जो धर्म भावना वह चाहता है, यानी उसकी धार्मिकता, उसकी राइचियस, उसकी राइचियसनेस, हीज राइचियसनेस, और उसकी वो चाहता है उसकी चिंता करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। उसकी चिंता करो मतलब कि परमेश्वर ने हमें, हम कहते हैं थैंक यू जीसस, प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें चुना है, आपने यू हैव चोजन अस, इतने सारे दुनिया में से हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हम, प्रेज गॉड, हमारा नाम अपने हथेलियों पे के लिखाया है हम पे, परमेश्वर हमें नाम से जानते हैं, जब परमेश्वर ने हमें हमारी माँ के गर्भ से चुन लिया है, प्लीज, तो किस लिए चुना है? परमेश्वर की एक योजना है हमारे हर एक के जीवन में, परमेश्वर ने एक पर्पस रखा है, हमें इस धरती पर भेजा है, एक बड़ी से बड़ी योजना हमारे द्वारा पूर्ण करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, अक्सर जब हम बॉर्न अगेन तो बोलते हैं अपने आप तो, लेकिन क्या आज हम ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम देखेंगे कि हमारे लाइफ में क्या अगर ऐसे पॉइंट है? अक्सर मैं लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता है, मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता हूँ, राइट? पहले ऐसा बोलते थे, बोलते थे हाँ, कि परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, या परमेश्वर के ये परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधा लिखा हुआ है वचन के, मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है, आमीन। लेकिन फिर भी जब हम नए हो जाने पर, क्या हमारे लाइफ में प्राइड, ईगो, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर, ये सारी चीज में अंग्रेज में बोल रहा हूँ, समझ चाहता हूँ, प्राइड यानी घमंड, सेल्फिशनेस यानी हम सिर्फ हमारे बारे में सोचना, सेल्फ राइटियसनेस खुद का बारे में सोचना, डाउट यानी डाउट में जीते संदेह, प्रेज गॉड, थैंक यू सिस्टर, अनबिलीव, अविश्वास, और सबसे जेलसी और बिटरनेस, हेट्रेट, असमा, अगर ये सारी चीजें हैं तो हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते। परमेश्वर बात करता है कि कर रहा रहता है, लेकिन ये सारी चीजें रोकती है, राइट, क्योंकि हमारा स्पिरिट तो परमेश्वर की आत्मा से ऑलरेडी एक हो गया है, हमारे अंगीकार और हमारे विश्वास के कारण, विश्वास से। लेकिन अब भी अगर हमारे में अगर ये सारी चीजें होती है तो ये सारी चीजें हमें उस चीजों से रोकती है। अभी अगर हम एफिशिएंसी में जाएंगे फिर से, एफिशिएंसी 4
22 से 24 तक सिस्टर जी. थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस जी. ओके. जहां तक तुम्हारे पुराने जीवन प्रकार का संबंध है, तुम्हें शिक्षा दी गई थी कि तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंको, जो उसकी भटकाने वाली इच्छाओं के कारण भ्रष्ट बना हुआ है. हाँ बस यहाँ तक. हाँ यानी ये क्या कहता है कि परमेश्वर, अभी हम नए मनुष्य को बॉर्न अगेन हो गए, हम पवित्र आत्मा से बैप्टाइज भी है, पवित्र आत्मा का बैप्टाइज है, पवित्र आत्मा में सब कुछ है. लेकिन अगर हमारा चाल चलन, अगर पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, यानी हम पहले हम वर्ल्ड में थे, वर्ल्ड की सारी डिजायर इच्छा उस तरह जीते थे, गर्माने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाते थे, उसे परमेश्वर का वचन कहते उतार डालो, उतार फेंको. यहाँ पे मेरे बाइबल में उतार डालो लिखा है, आप इसमें उतार फेंको, क्लियर कट ये परमेश्वर मुझे उतार फेंको और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ. जैसे कि हम सिस्टर फ्लोरिडा ने सिखाया था लास्ट टाइम उन पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने मन के आत्मिक, मन के नए होते, तो मन का नवीनीकरण कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से. विश्वास कैसे आता है? सुनने से. सुनना किससे होता है? परमेश्वर के वचन से. वचन से. तो जब हम मैंने एक बार एक प्रीचर सुना था कि कभी कभी हम जब कलेसिया में जाते हैं तो सबसे पापी जगह जो होती है कलेसिया होती है. तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि ये ऐसा कैसे बोल रहे कि जब हम कलेसिया में नए लोग आते हैं, लोगों को आते, लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उससे आते हैं, लेकिन जब हम स्तुति आराधना परमेश्वर का वचन उसमें जाता है तो वो सारी गंदगी उनमें से बाहर धीरे 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 उनके जीवन से बाहर निकलती है. जब हम नवीनीकरण होता है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा नवीनीकरण होते जाता है, क्योंकि वचन हमारे मन में जाता है, मन या माइंड में जाता है. माइंड, हमारा माइंड हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करता है, ब्रेन राइट केमिकल रिलीज करता है, उसी के द्वारा हमारे राइट सॉरी हम मेरा माइंड मेरा ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करता है. ब्रेन हमारे फिजिकल बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है और ब्रेन में ही हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ का जो युद्ध होता है, बैटल, हमारा जो ब्रेन है इज अ बैटल फील्ड. क्योंकि एक तरह से हम संसार में भी है, तो संसार में हर तरह से बहुत सारी चीजें होती है. हमें हमारा दिन भर का काम करना है, जॉब जाना है, स्कूल, जो भी कॉलेज जाते हैं, जो भी है, फैमिली में है और बाहर के बहुत सारे, आजकल का लाइफस्टाइल इस तरह के पूरे नॉलेज और न्यूज से बम्बार्डिंग है, तो वहां से एक तरह से उस तरह के न्यूज आते हैं. तो हमें हमारे माइंड को, हमारे दिमाग, अगर हमारा मन में परमेश्वर के वचन को दिन और रात हम भरते जाए और उसे अंगीकार करे और हमारा फोकस प्रभु यीशु पे हो, वचन पे हो, तब जाके जो भी थॉट्स शुरुआत में, अगर हम जब नवीनीकरण के टाइम पे देखते हैं कि हमारा जब न्यू बहुत सारे चीजें आती है, लेकिन अगर हम उस वचन को कंटिन्यूस अंगीकार करते हैं, नो डाउट कैसे भी वो थॉट, तो एक समय ऐसा आती है कि वो थॉट्स आना हमें बंद हो जाते हैं. उस लेवल पर जो होता है कि वो थॉट्स बंद हो जाए, क्योंकि हमें उस थॉट्स को अरेस्ट करना है. यानी जब भी वो थॉट्स आए, मैं परमेश्वर का मैं नई सृष्टि हूँ, आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, प्रेज गॉड, राइट. हमें उस, हमें हमारे मुंह को खोलना है, हमें हमारे मुंह को खोल के जिनको बोलना है, अंगीकार करना है ना है. अभी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में हम चीजों को देख नहीं पा रहे, तो लोग मिरेकल के पीछे जाते हैं, कोई भी तरह के मिरेकल्स जो भी उनके लाइफ में हो, एक्स वाई जेड,
फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर किसी को हीलिंग के लिए चाहिए तो वो मिरेकल हीलिंग के पीछे भागते हैं, लेकिन वो हील हमें हीलिंग के पीछे नहीं, हमें वो हीलर के पीछे जाना, प्रभु यीशु के पीछे जाना है, प्रभु यीशु को चेस करना है, प्रभु यीशु ये वचन जो आपने निकाला था सिस्टर के, मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता की खोज कर, तो बाकी सारी चीजें आपके पीछे हो जाएंगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो ये क्यों कहता है परमेश्वर? क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के तो वचन में है, तो हमें तो हम परमेश्वर से कनेक्टेड है। सबसे आसान तरीका परमेश्वर बात करते हैं, परमेश्वर बहुत अलग अलग तरीके से बात करते हैं, विजन के थ्रू, इमेज, लेकिन वचन के थ्रू सबसे आसानी से, क्योंकि परमेश्वर हमेशा वचन के थ्रू, अगर हमारे में वचन, हम कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, हम ऐसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब हमारे में बाइबल के वचन ही हमारे अंदर नहीं गया है तो परमेश्वर हमसे कैसे बात करेगा? सिस्टर संता, हाँ, या जो भी है ब्रदर एंड सिस्टर जो भी है, तो आप मुझे बता पाएंगे कि परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा ही बात करेगा। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, परमेश्वर ये वचन, ये जो बाइबल है उसमें सब चीजों का सोल्यूशन है। जी तो ब्रदर, अगर परमेश्वर ने अगर हमें, हाँ बोलिए, हाँ सिस्टर बोलिए, सॉरी, उन्होंने, नहीं नहीं सॉरी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें सब दे दिया है, वो सॉल्यूशन दे दिया है। यस, और ऐसे नहीं कि मुझे कोई जरूरत है तो मैं प्रभु यीशु के पास आऊं और मेरा वो खत्म हो गया तो बाय बाय प्रभु यीशु, हाँ नहीं। क्योंकि हमें, हम ये जानते हैं कि हमें, हम प्रभु यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें पहले प्रभु यीशु को, हमें उनके साथ एक रिश्ता रखना है और उन उनसे जुड़े रहना है। क्योंकि बिना प्रभु यीशु के हम कोई भी, हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनके बिना हम कुछ नहीं है। हाँ वो डाली और डाक लता है जो होते ना, परमेश्वर मुझ में और हम परमेश्वर में रहे तो ही हम फल ला सकते हैं। हेलो, यस। तो बहुत बार हम देखते हैं कि हम जब कोई नए व्यक्ति को देखते हैं, उन्हें हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं, वो कोई सिचुएशन से जा रहा रहता है तो वो परमेश्वर के पास आता है, जब उसका काम हो जाता है तो वो गवाही देता है, कभी कभी तो कोई लोग गवाही भी नहीं बताते हैं, प्रेज गॉड, और गवाही देते हैं, लेकिन उसके बाद वो थैंक यू जीसस बोल के वो चले जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को तो हमें सच्चे के, ही इज अ लिविंग गॉड, ही इज अ क्रिएटर, वो जीवित परमेश्वर है, उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है, पिता पुत्र, तो हमें के साथ डेली में हमारा रिश्ता होना चाहिए, क्या बोलते, पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए। प्रभु ये चाहता है कि प्रभु सेवकाई से भी पहले, से भी पहले परमेश्वर से हमसे, हम और आपसे व्यक्तिगत हमारा रिश्ता होना चाहिए, व्यक्तिगत, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मैं तुम्हें एकांत में बताऊंगा तुम उसे ऊंचे पे जाके के घोषणा करोगे, राइट सिस्टर? प्रेज गॉड। ये कौन सा वाला वचन है ब्रदर? पॉलुस को परमेश्वर ने तो बाइबल में लिखा है कि जो चीज मैं तुम्हें समझाऊंगा, तो जो चीज जो एकांत में परमेश्वर के पास हम जाते हैं तो परमेश्वर हमें एकांत में परमेश्वर अपनी योजना परमेश्वर बताता है, तो वो चीज कहता है कि तुम जाके, जैसे पौलुस, पौलुस जब बैप्टाइज हुआ उसका ये हुआ, उसके पहले उसने एक साथ इतने लोगों को कभी भी भी, भी, भी पेंटेकोस्ट के दिन इतने सारे लोग बैप्टाइज हुए, उसने जाके ऊंचे पे जाके परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया, तब कि परमेश्वर का जब वचन जो कहता है कि जो चीज मैं तुम्हें मैं अकेले में जो बताता हूँ वो आप जाके परमेश्वर के, तो आप जैसे जाके परमेश्वर के प्रचार करते हैं, यानी पवित्र आत्मा हमें, जब पवित्र आत्मा जब हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें जो बताता है वही चीज हम जाके परमेश्वर के लोग जो है आके के पुलपिट पर आके प्रचार करते हैं, राइट सिस्टर? प्रेज गॉड। तो यहाँ पे आज मेरा कहने का, मेरा जो जो है पवित्र आत्मा जो कह रहे कि हम लोग कहते हैं कि
कि हमारे जीवन में रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे, तो क्या हमें जांचना होगा हमें हमारे जीवन में, कि अगर इसमें सबसे महत्व का चीज होता है अनफॉर्गिवनेस। अगर हमारे ये अनफॉर्गिवनेस सैतन क्या करता है, हमारे करीबी लोग, हमारे करीबी लोग कौन होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं या हमारे क्लोज फ्रेंड होते हैं। अगर जो अगर मैरिड पर्सन है तो उसके स्पाउस हो गए, उसके तो पेरेंट्स है तो उसके बच्चे हो गए, बच्चे के लिए पेरेंट्स हो गए, कलीग्स हो गए। तो डेली बेसिस के लाइफ में हम ना कहीं कोई ना कोई, ये हम सेंसेस में है, फिजिकल बॉडी में अर्थ पे रहते हैं, तो कोई ना कोई बात ऐसी बोल देता है से वो हमारे जीवन में। सैतान बोलता है देख ये इसने ऐसा बोला, देख उसने तुझे इनवाइट भी नहीं किया, उसने तुझे विश भी नहीं किया। वो क्या करता है हमारे लाइफ में, गिल्ट लाता है। गिल्ट बोले तो अपराध, वो कंडेमनेशन की दोष की भावना, हेलो दोष की भावना लाता है, दोष लाता है कि अरे हाँ कि तूने, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया। तो कभी कभी हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बात पे ठेस खा जाते। अभी ये क्या करता है, धीरे 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 वो हेट्रेट्स का रूप लेता है। कभी कभी हमारी गलती हो या ना हो, ऑफिस में कुछ हो जाता है, बॉस कुछ बोल देता है, कलीग्स कोई बोल, या हमारे घर पे कुछ ऐसा होता है, तो हम वो बिटरनेस में आ जाते हैं। ये जो हेट्रेट से धीरे 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 वो क्या करता है शैतान, वो फटाक से वो नहीं वो करता है, वो धीरे धीरे वो चीज को वो करता है। अभी मान लो एक बड़ा सा पेड़ है, अगर उसे काटना है तो तुम डायरेक्टली तो उसे नहीं काट पाओगे, तो उसकी डाली थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े करके काटोगे, राइट? ब्रदर क्या पेड़, एक बड़ा सा झाड़ है, ट्री है। अच्छा अगर उसे अगर जो गवर्नमेंट वाले उन्हें काटना है तो एक ही बार में तो उसे नहीं काट लेते, उसे थोड़ा 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 करके, वो बहुत मजबूत होता है और हाँ रूटेड होता है। तो सैतान भी क्या करता है, सीड पहले गिल्ट लाता है, डोस लाता है, कंडेमनेशन लाता है, से क्या होता है हमारे अंदर हेट्रेड आता है। हमने क्या किया, सैतान को राइट्स दिया, दरवाजा खोला, फिर ऐसे ऐसे करते वो हमारे अगर परिवार में अगर हमारी गलती भी नहीं होती है तो भी कुछ होता है, तो भी तो वो सारी चीज हेट्रेड से अब वो बिटरनेस पे आ गई, वो कड़वाहट, वो पॉइजन हमारे इसमें आ गया। तो ये क्या हो जाता है, धीरे 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 वो बिटरनेस से वो पॉइजन वो माउंटेन्स बना देता है। अभी हाल में ही मैंने पापा का एक टीचिंग सुना था, उसमें बोला था, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल। ये बहुत ये हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हम जब भी ट्रैवल करते हैं सिग्नल देखेंगे तो हमें बोलता है कि हमें जहाँ रेड सिग्नल देना होता है वहां हम ग्रीन सिग्नल देते, जहाँ ग्रीन सिग्नल देना होता है वहां हम रेड सिग्नल देते। कैसे, मैं आपको बता दू, तो पवित्र आत्मा ने उनके थ्रू बताया था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जैसे हमारे परिवार वालों ने कुछ बोला, कलीग्स ने कुछ बोला, ये बोला, तो हम क्या करते टी टू टेट, हम भी उनको वो आंसर देते, झगड़ा या बैक फाइट या वो करते हैं, और शैतान के सामने हम चुप बैठते हैं। हम क्या यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं कि अगर जो हमारे फैमिली मेंबर कलीग्स या जो अगर हमारे अगेंस्ट में वो पर्सन नहीं आ रहा है, वो स्पिरिट हमारे अगेंस्ट में आ रही है जो उस व्यक्ति के अंदर है, राइट सिस्टर? जी ब्रदर। हाँ, तो हमें वहां पर हमें रेड सिग्नल लगाना है और सैतान के सामने हमें ग्रीन सिग्नल लगाना है। ग्रीन सिग्नल लगाना है मतलब कैसे, हमें अपने मुंह को खोलना है उस स्पिरिट को। लुका 10:18 में आप लुक 10:18 निकालेंगे सिस्टम जी, लुक 10:18 इस पर यीशु ने उनसे कहा,
मैंने शैतान को आकाश से बिजली के समान गिरते देखा है। एटीन बोले या नाइनटीन बोले? नाइनटीन मैंने 18 बोला, लेकिन 19 वाला वर्ड है, स्क्रिप्चर है, सॉरी। हारा हुआ शैतान, हारा हुआ सुनो शैतान। सांपों और बिच्छुओं के, सॉरी, सुनो सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले रौंदने और शत्रु की समूची शक्ति पर प्रभावी होने का सामर्थ्य मैंने तुम्हें दे दिया है। दिया है तुम्हें कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। सिस्टर, आप इसको कोई भी इंग्लिश वर्जन में निकाल पाएंगे? हाँ, पैरेलल करती हूँ। किंग्स जेम्स है, चलेगा ब्रदर? चलेगा चलेगा चलेगा। मुझे सिर्फ एक ही बार, बी होल आई गिव इन टू यू, यहाँ पर कैसा लिखा है, आई गिव इन टू यू, सिर्फ ऐसा नहीं लिखा है कि हम क्या, हम पहले जब जब हमें सत्य ने सिर्फ के प्रीचर या पास्टर या फादर, उन्हें वही सिर्फ उन्हें ही राइट्स है, ऐसा लिखा है, या आई गिव इन टू यू पावर टू ट्रेड ऑन सर्पेंट एंड स्कॉर्पियंस एंड बिच्छुओं, सांप और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार। यानी ये सांप बिच्छू ये क्या है, जो हमारे लाइफ में जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है, एंड ओवर फ्यू फ्यू पावर और सम पावर ऑफ द एनिमी, राइट सिस्टर, एंड ओवर ब्रदर एंड सिस्टर, ओवर फ्यू पावर ओवर एंड ओवर ऑल द पावर्स, हाँ, सब over, हमें सब सब चीजों के ऊपर हमें सामना, पावर ऑफ द एनिमी एंड नथिंग शैल बाय एनी मींस हर्ट यू। अगर हमने इसे, अगर कुछ चीज जो ऐसी है पी ली है, खा ली है, या कुछ है, कोई भी चीजों से हमें कोई हानि नहीं होगी, तो ऑल द पावर ऑफ द एनिमीज। तो ये वचन को लेके हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेज़ गॉड। ब्रदर, ब्रदर धवल, प्रेज़ गॉड ब्रदर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। Is the Claudius, can you hear me? Yes, sister, loud and clear. Praise God. Brother, आपका आवाज नहीं आ रही है, brother Dhaval. Praise God. एक मिनट. ओके, सुनो सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले रौंदने और शत्रु को समूची शक्ति पर प्रभावी होने का सामर्थ्य मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम्हें कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें हमें क्या दिया है, सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले रौंदने और शत्रु की समूची शक्ति पर प्रभावी होने का सामर्थ्य मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम्हें कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। प्रेज गॉड। तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें सब कुछ के ऊपर अधिकार दिया है, वो सारा पावर हमें उन्होंने, उनकी शक्ति हमें दी है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हमें अधिकार दिया है उनका, जो हम हमें हम क्या कर पाते हैं, हम उन्हीं के, हम ये सांपों और बिच्छू के ऊपर हम हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। प्रेज गॉड। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये सांप
आपके साथ मैं खेलूं या मैं उसको अपने परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाऊं आपको पकड़ के अपने पास रखूं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं के ऊपर हमें उन्होंने अधिकार दिया है, प्रेज गॉड। और कोई भी ये जो है प्रेज गॉड, तुम्हें कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। ये जो सांपों और बिच्छुओं है वो हमें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो प्रभु यीशु ने वो अधिकार हमें दिया है, वो पावर हमें दिया है, वो शक्ति हमें दी है, प्रेज गॉड। उनका उनका शक्ति उन्होंने दिया है परमेश्वर प्रभु यीशु ने, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सांपों और बिच्छुओं के साथ मैं उसको अपने अपने पास ये करूं, मैं खेलूं। नहीं, उनको उनको जाके पकड़ना है, ऐसा नहीं है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। नहीं तो ये बेवकूफी वाली बात होगी, राइट ब्रदर क्लॉडियस? यस सिस्टर, वेरी ट्रू। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। एक बार मुझे याद है एक टीचिंग में एक सिस्टर बता रही थी कि कैसे वो उनका बोल रही थी कि एक ऐसा उनके बारे में बोल रही थी कैसे जैसे कोई भी चीज का एडिक्शन ऐसा होता है तो प्रेज गॉड तो उनको वो प्रभु यीशु के अभी प्रभु यीशु के ये से अभी उनको वो एडिक्शन ही मतलब ये हो गया। तो पापा उनको यही बोल रहे थे कि मतलब वो जो चीज था, मैं नाम नहीं लूंगी वो वाला बात, वो जो है वो चीज का। तो पापा यही उनको वो सिस्टर को बोल रहे थे कि आप प्रेज गॉड, ये अच्छी बात है कि परमेश्वर जैसे हम जब हम दिन रात उनके वचन में जब हम फोकस करते हैं तो जो भी चीज का हमें लत हमें लगा रहता है वो चला जाता है, राइट। हम कोशिश नहीं करते हैं कि उसको छुड़ाने के लिए, बल्कि वो लत जो लगा रहता है वो छोड़ के हमें जाता है, राइट। जैसे एलिस्टन भी एक बार बता रहा था कि वो उसको कार्टून वो दिखता था, पर कार्टून उसको वो कार्टून को नहीं छोड़ा, पर कार्टून उसको छोड़ के चला गया। प्रेज गॉड तो पापा वो सिस्टर को बता रहे थे कि वो जो है उन्होंने ऐसा बोला कि अगर वो सामने भी वो चीज हो तो उनको वो ये नहीं होता है कि वो चीज ले। तो पापा उनको यही बोल रहे थे कि अच्छी बात है आपको वो एडिक्शन आपको छोड़ के चला गया, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना बैग में वो सांप को डालो। तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो प्रेज गॉड, हमें उसे दूर रहना है, राइट। प्रेज गॉड, हम कोई भी चीज को, हम जो भी चीज हमें जो ये करती है जो परमेश्वर के राज्य से नहीं है, हमें ऐसे नहीं सोचना कि हाँ परमेश्वर ने मुझे शक्ति दिया है, पर मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है तो मैं अपने ये से मैं सब कुछ कर पाऊंगी, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं करूंगी। और वो टेम्प्ट भी नहीं कर सकता मेरे को, वो जो लत है वो मुझे ये भी नहीं कर सकता। वो हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं, राइट, पर हम परमेश्वर के बिना हम परमेश्वर के बिना हम सच में कुछ नहीं। एंड प्रेज गॉड, उन्हीं का वचन हम लेते हैं और जब अपना मुंह खोलते हैं प्रेज गॉड, जब हम उनके वचन में रहते हैं, परमेश्वर के वचन में रहते हैं, तो प्रेज गॉड वो सारी चीजें वो हट जाता है। प्रेज गॉड, एक बार में नहीं बट यस, वो कब चला जाता है हमें भी नहीं पता चलता है। तो प्रेज गॉड, तो ऐसे नहीं है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है तो मैं जाऊं और सांप को ढूंढो और उसको ये करूं, नहीं, वो बेवकूफी वाली बात है। प्रेज गॉड, तो ऐसे नहीं कि हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उन्होंने हमें दिया है, वो पावर दिया है सारे शत्रुओं से ये कर लड़ने के लिए, पर वो पावर क्या है, उनका वर्ड, राइट, उनका वचन। प्रेज गॉड, और जैसा प्रभु यीशु करते थे, प्रेज गॉड, सेम पूरा सेम प्रभु यीशु ने अपना सब कुछ उनके पास, जैसा
वो करते थे वही सेम चीज आज हमारे आज हम कर सकते हैं क्योंकि वो अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दिया है, कोई जानवर के पास वो नहीं है। अगर हम देखेंगे जानवर लोगों को भी, तो परमेश्वर जानवर लोगों को प्रेम करते हैं, पर परमेश्वर ने हमें उनके जैसे बनाया है और सारे धरती पे परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है, प्रेज गॉड, क्योंकि उन्होंने हमें उनके जैसा बनाया है, उनके स्वरूप में बनाया है। यस ब्रदर धवल। यस, हाँ सॉरी मेरा इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया था सिस्टर। कोई नहीं ब्रदर। ओके, तो लुका में हमें ये अधिकार ब्रदर, के मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आती हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल, मैं यही इस वचन पे, हाँ ठीक है सिस्टर, हाँ बोलिए, आप बोलते रहिए, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, तो ब्रदर एंड सिस्टर की कैसे के जैसे कि माने उस वचन में बताया, हमें शैतान के सामने हमारे मुंह को खोल के वो व्यक्ति के अगेंस्ट, वो व्यक्ति के अंदर जो स्पिरिट है जो हमारे अगेंस्ट आ रही है, स्पिरिट को हमें बाइंड करना है, स्पिरिट को रिब्यूक करना है, उस स्पिरिट को हमें कास्ट आउट करना है, हमें समंदर में जाके गिरने के लिए आदेश देना है। इस ऐसा करने से, और यो जो व्यक्ति है से हमें फॉरगिव करना है, क्योंकि प्रभु येसु ने हमें यही सिखाया है। जब प्रभु येसु को सूली पे क्रूसीफाइड कर दिया था, तभी प्रभु येसु ने ये नहीं कहा कि इन लोगों को आशीषित कर, लेकिन बल्कि प्रभु येसु ने कहा, हे पिता इन्हें समा कर। तो आज पिता ने हमें भी समा किया है, हमें भी उन लोगों को समा करना है, फॉरगिव करना है, रिलीज करना है, ब्लेस करना है। से दो चीज होता है कि जो हमारे लाइफ में जो अगेंस्ट वो जो स्पिरिट आई है आती है वो व्यक्ति के थ्रू वो निकल जाती है, वो डिस्ट्रैक्शन निकल जाता है। हमारे लाइफ में तो ब्लेसिंग आता ही आता है, लेकिन जो व्यक्ति है जिसे हम रिलीज करते हैं उसके लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आते हैं। अगर अगर हम उसकी जगह पे उल्टा करते हैं कि ग्रीन सिग्नल, अगर वो जो व्यक्ति हमारे अगेंस्ट में जो भी है, फैमिली में है या कॉलीग्स में है, ऑफिस में है या जहाँ कहीं पे भी है, क्या अगर हम उनके सामने अपना मुंह खोल के से आर्ग्यूमेंट में जाते हैं या झगड़ा करते हैं या टूट डेट करते हैं, तो हम हमारे लाइफ में शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं, हेट्रेड्स, बिटरनेस, अनफॉर्गिवनेस को एंटर करते हैं। इसके कारण वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, माउंटेन्स, ये जो माउंटेन्स जो थे हैं, ये उसी के कारण से फिर हम बोलते हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं चल पाते हैं, परमेश्वर के अगापे लव नहीं फ्लो कर पाते हैं। वो परमेश्वर का अगापे लव वो एक ये नहीं है, इमोशन नहीं है कि जो है वो है कि कभी हमें फील हो है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम हमें पवित्र आत्मा के थ्रू हमारे अंदर उंडेला गया है। क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं परमेश्वर के प्रेम को उस व्यक्ति पर या किसी पर भी फ्लो होना चाहिए। हमारे द्वारा परमेश्वर काम करता है, हमारे द्वारा हम परमेश्वर के कई परमेश्वर के वचन में एफिशिएंसी 6:22 में बीस में लिखा है, जिस कोई पढ़ेगा, जिसके लिए मैं जंजीर से कोई बात नहीं 6:20 से जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हो। राजदूत यानी परमेश्वर ने हमें यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर, दुनिया के लोग जो अपने कोई भी प्रोडक्ट का विज्ञापन करने के लिए या वो करने के लिए एक बड़े बड़े लोगों को या एक्स वाई जेड सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाते, यहाँ पे परमेश्वर कहते तू हम प्रभु के राजदूत है। इसी के लिए मैं जंजीरों में जकड़े हुए राजदूत के समान सेवा कर रहा हूँ। प्रार्थना करो कि मैं जिस प्रकार मुझे बोलना चाहिए उसी प्रकार, क्या लिख रहे हैं, साहस से बोलो, निर्भयता के साथ सुसमाचार का प्रवचन कर सकूं। तो यानी यहाँ पर अगर हमारे अंदर
प्रेम है, पवित्र आत्मा के गुण है, पवित्र आत्मा के सारे फल, तो हम जहां कहीं पे भी जाते हैं हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम परमेश्वर के राजदूत है, क्योंकि हम परमेश्वर के, हम कहते हैं कि वी आर बॉर्न, हम हमारा नवी तरीके से, नए सिरे से हम जन्म लिए हैं, वी आर इन क्राइस्ट, हम मसीह में हैं, हम क्रिश्चियन है, जो भी हम बोलते हैं, तो वो कैसे पता चलता है? परमेश्वर के प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम में उंडेला गया है, तो हम जहां कहीं, ये तब एक्टिवेट होता है जब हमारे अंदर प्राइड नहीं है, सेल्फ राइचियसनेस नहीं है, सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं है, हेट्रेट नहीं है, बिटरनेस नहीं है, अनफॉर्गिवनेस नहीं है, जेलस नहीं है, और भी जो भी चीज जो संसार के लिए की है वो सारी बातें छोड़ के हमें हम वी डाई फॉर आवरसेल्फ, हमें हमारे लिए अपने आप के लिए मरना है, हमें दूसरों के लिए जीना है, दैट इज ए मसीह जीव लाइफ, क्राइस्ट लाइफ, राइट। अभी इसमें एक पापा ने एक उदाहरण दिया था, एग्जांपल कि जो कैंडल होता है मॉम जो, वो तो खुद तो जलता है, बर्न होता है, लेकिन उसके बर्न होने से, जलने से वो कितने लोगों को प्रकाश देता है, रोशनी फैलाता है, लेकिन जब एक ऐसा टाइम आता है कि वो मॉम खत्म होने के उस पे आता है, लेकिन वो तो भी वो क्या कहता है कि मैं तो खत्म हो रहा हूँ मॉम, लेकिन जो मैं प्रकाश है वो मैं और भी मैं मॉम बुझते जाओ, लेकिन मैं मेरा प्रकाश फैलाते जाऊं, इसको यानी हम परमे इस यहाँ पे जो जीवन हमें दिया है परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा देने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, अप्लाई करने के लिए और अपने जीवन में और लोगों को बताने के लिए हमें परमेश्वर ने हमारे जीवन में योजना रखी। लेकिन ये योजना कब काम करती है? ये परमेश्वर जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल हो। नहीं, एक वचन सिस्टर जेम्स 1:2, जेम्स का अध्याय 1:2 कि जब भी हम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़े तब हम नाखुश ना हो, परंतु हमें ये विश्वास कर हमें आनंद मनाना चाहिए। प्रिय जन, जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे निरे हर्ष का विषय समझो, आनंद का विषय, सिंपल इसमें अगर बोले तो आनंद का विषय समझो। तो अभी ये वचन को मैं पहले ऐसा समझता था, हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो, यानी मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा, टेस्ट लाते हैं हमारे विश्वास परखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे लाइफ में जो भी माउंटेन्स है या सिचुएशन है कि या से हम गुजर रहे हैं, तो उसमें भी हम में वो चीज में भी परमेश्वर ने हमें उनका पीस दिया है, और परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम हमेशा आनंद में रहो। इसके आगे का वचन जिस तरह आप निकाले थे थर्ड वचन, उस आनंद से तुम्हारे अंदर धैर्य आता है, जेम्स 1:3 में धीरज, क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है तो उससे धैर्यपूर्ण सहन शक्ति उत्पन्न होती है। आज हमें, आज के टाइम में हमें सारा चीज इंस्टेंट चाहिए होता है, यानी खाना भी हम जाते हैं, हम जो है वर्ल्ड में सब कुछ इंस्टेंट, तो हमें हम लाइफ में भी हम सोचते हैं कि अरे परमेश्वर की लाइफ, परमेश्वर आत्मिक जीवन में भी हमें सारा चीज हम सोचते थे इंस्टेंट होना चाहिए,
कभी कभार हम देखते हैं कि हम अगर हीलिंग के इंस्टेंट होता है, कभी कभी भी होता है कि एक प्रोसेस से जाना पड़ता है। तो सब टाइम लोग कहते हैं कि हम मेरी परीक्षा, परमेश्वर परीक्षा करते हैं। परमेश्वर कभी हमारी परीक्षा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर हमारे अब्बा फादर है, हमारे पिता है, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो खुद प्रेम है, राइट ब्रदर एंड सिस्टर? तो वो हमारे परमेश्वर ही प्रेम, हाँ, तो वो परमेश्वर खुद प्रेम है और हम उसके बच्चे हैं। अगर परमेश्वर एक और वचन में लिखा है कि अगर तुम तुम्हारे सारे पिता के पास अंडा मांगो, मछली मांगो, रोटी मांगो, तो क्या वो तुम्हें सांप, बिच्छू या पत्थर देंगे? नहीं, अंडा रोटी या उससे बढ़कर देते। तो क्या हमारे स्वर्गीय पिता महान नहीं है कि अगर हम उनसे कुछ मांगे तो वो हमें और कुछ और देंगे? क्या वो हमें कोई परीक्षा में डालेंगे? राइट। लेकिन अगर जो चीजें है, सिचुएशन है, उसमें भी परमेश्वर कहता है कि तुम, परमेश्वर का वचन है, कहता है कि लॉर्ड जो इज आवर स्ट्रेंथ, परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। जो जोएल की किताब में लिखा है, इफ आई एम नॉट, मैं अगर गलत ना हो, तो परमेश्वर का आनंद हमारी, बोल सकते एवरी, बोल सकते नहीं, मैं तो ये गलत हो रहे, बोलना, कन्फेस करना है। नहेमाया 9 इन नहेमाया 9 8:10 नहेमाया 8:10 सॉरी सिस्टर, नहीं नहीं कोई नहीं, परमेश्वर का आनंद हमारा हमारी ताकत है। जब भी हम कोई संसार हमें, जब हम दुविधा में है या हम कोई सिचुएशन से जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज का को ग्लोरीफाई करते हैं, बार बार वो चीज जाके सबको बता के बताते। हम अगर एज अ बॉर्न अगेन भी है, मैं भी है, हम लोगों को प्रार्थना करने में, प्रार्थना करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें क्या वो परमेश्वर के वचन से मेल खाता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमें प्रॉब्लम्स है के लिए मैंने सारी चीजें कर दी है, फिर भी हम वही चीज जाके परमेश्वर के पास अगर जाके कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रार्थना, क्योंकि हमने अगर जो चीज कर दी है और वही चीज जाके प्रभु यीशु ने कर दी है और वही चीज फिर से जाके हम मांगेंगे, तो कैसे वो सही होता है? कई चीजों में हमें कैसा होता है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हमें प्रार्थना कर ली, हमने उस चीजों के लिए को रिब्यूक भी कर लिया, लेकिन हम विश्वास ही नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है, या नहेमाया 8:10 में लिखा है कि परमेश्वर का आनंद तुम्हें सुदृढ़ बनाएगा, लॉर्ड इज योर, फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। आमेन। परमेश्वर का आनंद हमारी हमारी ताकत है। तो उस सिचुएशन में भी, स्टॉर्म में भी, हम पीस पे हम पीस में कब रहेंगे, कब रह सकते हैं? कि अगर अगर बहुत सारी सिचुएशन जा रही है, जब हम हमारे आंखों को हमारी परिस्थिति से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर के वचन पर लगाते हैं, तब भले अगर हम स्टॉर्म में भी रहेंगे तो भी हम बी पीस में रहेंगे। परमेश्वर क्यों कहते हैं कि जब तुम कोई भी नाना प्रकार की परीक्षा में, ये परीक्षा वर्ड एक्चुअल में यहाँ पर हिंदी में है, इंग्लिश बाइबल में परीक्षा नहीं, कुछ दूसरा यूज की, गलत नहीं, ये जो ट्रांसलेशन, अलग ट्रांसलेशन यूज किया हुआ है जो नाना प्रकार की उसपे हो, तो भी तुम आनंद मनाओ। क्यों? उसके नेक्स्ट वचन करता है कि आनंद ना, उससे तुम्हारा धैर्य, पेशेंस, जेम्स वो 1-4 तक, याकूब का जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास है, संतों के 12 कुलों को नमस्कार पहुंचे जो समूचे संसार में फैले हुए हैं, विश्वास और विवेक। हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम यह जानते
हो कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है तो उससे धैर्यपूर्ण सहन शक्ति उत्पन्न होती है, और वह धैर्यपूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को जन्म देती है जिससे तुम ऐसे सिद्ध बन सकते हो जिनमें कोई कमी नहीं रह जाती है। प्रेज गॉड। हाँ प्रेज गॉड, यानी जब जब भी हम मान लो कोई सिचुएशन से जा रहे तो परमेश्वर हमें कह रहे पहले तो तुमने प्रार्थना कर ली, उसको उसका प्रॉब्लम से उसको रिब्यूक किया, विश्वास करो कि वो प्रॉब्लम चली गई है सबसे, राइट। हम यही कर, हमें धन्यवाद देना है, हमें क्या करना है, स्तुति करना है, आराधना करना है। स्तुति आराधना के साथ हम परमेश्वर के वर्शिप सॉन्ग्स को लगा के डांस कर सकते हैं, उन्हें थैंक्स गिविंग कर सकते हैं। ये सारी चीजों से क्या होता है कि हम हमारा ध्यान उस चीजों से, उस समस्या से हटाकर हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर होता है, परमेश्वर के वचनों में रहते हैं। स्टॉर्म है लेकिन उस स्टॉर्म में भी हम पीसफुल रहते हैं, आनंद में रहते हैं। इससे क्या होता है, वचन में थर्ड वचन में लिखा है कि हमें पेशेंस आता है, इंड्योरेंस आता है, बाय फेथ नोइंग दैट द ट्राइंग ऑफ योर फेथ वर्क इन पेशेंस, यहाँ पर लिखा है। और फोर्थ वचन कहता है लेट पेशेंस हैव हर परफेक्ट वर्क, यानी तुम सफल और वह धैर्य पूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को जन्म देती है जिससे तुम ऐसे सिद्ध बन सकते हो जिनमें कोई कमी न रह जाती है। यानी सिस्टर जैसे वो हमने गोल्ड को देखते हैं, जब गोल्ड जो उसको फर्नेस पे डालते हैं, जो क्या बोलते हैं सोना जो उसको, वो आग, हाँ बोली बोली आग में डालते तो उसके एकदम उसके अंदर उसके प्योरिटी के लिए बोलते हैं ना, अभी 20 ये चीज सिस्टर निशा अच्छे से ऐसा बोलते बता तो उसको सकती है। अच्छा प्रेस को तो वो से डालते हैं कि वो उसमें अंदर की जो भी गंदगी है जो भी है एकदम प्योरली कर सके, प्योरली एकदम, यानी जब वो अगर वो बाहर एंड प्रोडक्ट आता है तो इस तरह से वो शाइन करता है, वो करता है कि वो वेंडर लोग बोलते हैं कि ये 23rd कैरेट है, 24 कैरेट है। वैसे ही हम जब कोई अगर उसमें से जा रहे हैं तो हम आनंद में धीरे उसमें से पेशेंस से हम बाहर, प्रभु चाहते हैं कि हम यानी कोई भी सिचुएशन से अगर तुम जाओ तो उसमें तुम्हारे पास आनंद और पेशेंस में से हमें पसार एक प्रोसेस से जाते हैं। प्रोसेस से जाने के बाद फिर आगे चल के अगर तुम कभी भी अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें ऐसा कोई लगेगा ही नहीं कि हम अरे भाई मेरे जीवन में ये है, क्यों कि तुम्हारे अंदर वो धैर्य वो पेशेंस डेवलप हो चुका है परमेश्वर के वचन के द्वारा और उससे तुम सफल होते हैं। बोलते हैं ना एक एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाता है। हाँ तो चट्टान का मतलब क्या है कि चट्टान इटसेल्फ हमारा प्रभु यीशु है, परमेश्वर का वचन है कि हम अगर हमारा वचन वो बुद्धि से हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, वचन अगर जड़ पकड़े हुए है हमारे अंदर अंदर गया हुआ है तो वो एक तूफान आए आंधी आए लेकिन हम वो जो चट्टान पे जो चीज है वो कभी गिरती नहीं। लेकिन अगर जो एक पोकल जमीन पे बोलते ना उस पर बनाई गई है तो अगर उस पर अगर जो अगर नहीं सर हम फिजिकल उसमें बोले घर बनाया गया हुआ है अगर वो उसको सही तरह से कॉन्क्रीट सीमेंट नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, जब तूफान आएगा तो बह जाएगा। लेकिन अगर वो चट्टान पर अगर प्रॉपर उसे सीमेंट पानी जो देना चाहे वो दिया होता है तो एक मजबूत गढ़ होता है। तो वैसा ही हमारा आत्मिक जीवन भी है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के रिलेशनशिप है, परमेश्वर का वचन रूटेड है ग्राउंडेड है तो हम हमारे जीवन में हिलेंगे नहीं, राइट सिस्टर। प्रेज गॉड।
यश उनका वचन है और हम जब God. उनके वचनों में आनंद मनाते हैं, पेशेंस में रहते हैं, प्रेज गॉड, आनंद जहाँ पे आनंद है वहाँ पे परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर के वचन में जब हम आनंद मनाते हैं तो पेशेंस जरूर है क्योंकि दोनों साथ साथ होते साथ हैं, साथ है, प्रेज गॉड, साथ साथ काम करते हैं। तो अगर ऐसे ये सारी चीजें हैं तो हमारे अंदर भले कुछ भी हुआ हो, कुछ भी कोई कोई व्यक्ति बाद में अगर हमें कुछ भी बोलता भी हो, अगर हमारे अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के गुण है, परमेश्वर के वचन से हर दिन भर रहे हैं, जैसे कि इसमें ये वचन में लिखा है जोशुआ 1:8, यहोशू चैप्टर 1:8, यहोशू चैप्टर 1:8 में लिखा है यहोशुआ की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, उसी में तू दिन रात ध्यान दिए रहना, ध्यान दिए रहना मतलब अब मेडिटेट करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होगी और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, परमेश्वर का वचन, यानी कि तो अगर तो अगर ये वचन हमारे जीवन में है, वचन हम मेडिटेट करते हैं दिन रात, वचन को कन्फेस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, बोलते हैं, सारा चीज करते हैं, तो अगर उसके बाद अगर कोई अगर व्यक्ति आकर हमें कुछ बोल दिया, अगर हमारी गलती भी नहीं है या हमारे परिवार जन या कलीग्स या कॉलीग्स या एनी, तो वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया के लिए उनके लिए वी डाई एंड रोज अगेन फ्रॉम, हम बॉर्न अगेन बोलते हैं ना अपने आप को, कि हमारा नई सीरीज से जन्म हुआ है, तो जन्म तो हो गया है हमारा, जैसे कि मैंने अब बताया कि परमेश्वर के साथ हमारा आत्मा, परमेश्वर खुद आत्मा है और हमारा हम एक आत्मा है, तो हम एक हो चुके हैं। तो हमारे मन का नवीनीकरण, मन का नवीनीकरण किस तरह से, परमेश्वर के वचन के द्वारा होने से, वचन हमारा मन हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करता है, हमारे ब्रेन हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है, कमांड करता है, हमारा जो थॉट्स आता है, हमारे अगर जो भी अगर जो थॉट्स आता है, हमें हर एक थॉट को, जैसे सिस्टर फ्लोर ने बताया था होली स्पिरिट के द्वारा, कि जो भी थॉट्स परमेश्वर के वर्ड वचन से मेल नहीं खाता है, इन लाइन नहीं हो रहा है, वो वर्ड दुनिया ही हमें उसे अरेस्ट कर, दुनिया की रीति से है, तो हमें उसे रिब्यूक करना है, अरेस्ट करना है। कैसे अरेस्ट कर रहा है? नॉर्मल बात बोलकर नहीं, या विचारों से, थॉट से नहीं, आर्ग्यूमेंट उसके शैतान के थॉट से, आर्ग्यूमेंट से नहीं, नहीं, केवल और केवल अधिकार, प्रॉमिस और परमेश्वर के वचन, वर्ड ऑफ गॉड को लेके, अदरवाइज हम और कोई और या कोई हमें इमेज भी दिखाता है, शैतान समटाइम्स इमेज दिखाता है, तो हम भी इमेज दिखा सकते परमेश्वर के वचन को, वचन को इमेज, इमेज को इमेज के द्वारा वो कर सकते हैं, लेकिन वो इमेज परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हमारा ऑडियो और वीडियो, ऑडियो और ऑडियो हमारा मुंह और वीडियो जो हम इमेजिनेशन क्या बोलते हैं, कल्पना, कल्पना, कल्पना ना, जी जी सुशांता जी, हाँ जी, ब्रदर एंड सिस्टर, हाँ, तो ये एक होना चाहिए, तभी है हम जाके परमेश्वर के वचन पे ये कर सकते हैं, कि बिटरनेस और हेट्रेड असमा अगर हमारे इसमें है, तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम काम नहीं करता, ये डीएक्टिवेट होता है, इसे प्रेम को हमें हमेशा एक्टिवेट करते रखना है, क्योंकि परमेश्वर पहले अगर हम अगर ओल्ड टेस्टमेंट में देखते कि कितने सारी कमांडमेंट्स दी हुई थी, तुमने हमने सारी कमांडमेंट करा और एक कमांडमेंट अगर हमने चूक गए तो सारी कमांडमेंट्स भी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जैसे कि एक वचन है, परमेश्वर का लुका 10:27, लुक 10:27, जिसमें परमेश्वर ने हमें
कि प्रेज गॉड के परमेश्वर ने सारी जो भी यीशु ने जो कमांडमेंट थी सारी कमांडमेंट क्रूस पर पूरी कर दी, लेकिन हमें सिर्फ दो ही चीज परमेश्वर ने करने को कहा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, मन यहाँ पर मन लिखा है हिंदी बाइबल में, दूसरा लव गॉड विथ ऑल देयर हार्ट विथ ऑल द सोल, तो अपने परमेश्वर से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। इसमें सब कुछ आ गया कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से सारे प्राण से शक्ति से सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और दूसरी कमांडमेंट क्या, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो ही आज्ञा हमें दी, बाकी सारा चीज प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरा किया। हमें ब्रदर एंड सिस्टर लगता है अगर हमें वो जो ओल्ड टेस्टमेंट में जो भी आज्ञाएं दी थी, क्या अगर वो आज्ञा आज अगर होती, अगर ओल्ड कमेंट लॉ में होती तो हम वो कर सकते थे? और वो जो ओल्ड कवेनेंट में जो परमेश्वर जो वो मोसेस ने वो सारे लॉज दिए थे, वो इसलिए परमेश्वर ने वो जो नियम था, नियम ना सिस्टर निशा? वो नियम था इसलिए नहीं, परमेश्वर वो इसलिए नहीं दिया गया था ताकि वो लोग वो सारा पालन करे, इसलिए नहीं दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था ताकि उनको ये पता चले कि उनको एक सेवियर का जरूरत है, यीशु का जरूरत है, उनको ये इसलिए दिया था वो नियम ताकि उनको ये पता चले कि हम कितने हम पाप में जी रहे हैं और हमें एक सेवियर का जरूरत है, हमें प्रभु यीशु का जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु उस वक्त नहीं आए थे पर उनको प्रभु यीशु का जरूरत है, इसलिए परमेश्वर, क्योंकि हम कोई भी वो जो नियम जो है जितना भी दिया गया हम उसमें से एक भी हम पालन नहीं कर सकते, और वो सब कुछ प्रभु यीशु ने पालन किया है प्रेस गॉड, और उन्होंने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, तो परमेश्वर ने इसलिए नहीं वो नियम इसलिए नहीं दिया गया था ताकि वो लोग वो सारा पालन करे, वो नियम का पालन करे, वो इसलिए दिया गया था ताकि उनको ये पता चले कि वो पाप में जी रहे हैं और उनको एक सेवियर का जरूरत है, उनको प्रभु यीशु का जरूरत है। क्योंकि अब्राहम के टाइम पर नूहा के टाइम पे कानून नहीं था, जब मूसा ने वो जो पहाड़ पे गए थे वो लोगों ने उन्होंने उसे देरी हो गई, वो आपस में वो करके उन्होंने बछड़ा ये करके एक आइडियल जो किया था उन्होंने मांगा, इतने सारे प्रोफेट्स और इतने सारे वहां से परमेश्वर और ये क्यों लेके आए यहाँ तक उधर से, क्योंकि परमेश्वर को यीशु मसीह को एक सेवियर को देना था। इन्होंने जब ये मांगा कि हमें एक ये दीजिए, तब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि एक इसके ऊपर ये सारे नियम लिख के दिए। परमेश्वर नहीं चाहता था कोई नियम दे कि ये नियम के पालन ये दे, राइट सिस्टर? नहीं, परमेश्वर यही चाहते थे कि वो लोग उनको पता चले और उनको प्रभु यीशु का जरूरत है, परमेश्वर जरूरत का जरूरत है, इसलिए वो नियम दिया गया था ब्रदर वो सारे लोगों को। सिस्टर निशा, प्लीज गॉड कि लाइक अगर हमारे, हाँ सिस्टर निशा आप कुछ बोल रहे थे? नहीं बोलिए बोलिए ब्रदर। ये मैं बोल रही थी सिस्टर निशा, यही बात था ना जो परमेश्वर ने नियम दिए थे। हाँ, ताकि हमें एक उद्धार करता के रूप में, क्योंकि पहले के इसमें लोग पाप जब करते थे लाइक तो सैक्रिफाइस के रूप में बछड़ा या ये सैक्रिफाइस करते थे और फिर से, लेकिन उनका लाइफ यही था, तो ये सारी चीजों से परमेश्वर बताता था कि एक साल से देते तुम्हारे लिए एक टाइम
वन टाइम सैक्रिफाइस जो प्रभु यीशु का क्रूस पे किया गया है, देन परमेश्वर ने कहा कि इट इज फिनिश्ड, इट इज कंप्लीट। परमेश्वर ने सारी चीजों को कर दिया है, लेकिन अब हमें नहीं पता तो ब्रेक हो रहा है। हेलो, अभी ठीक है। जीसस प्रेज, ठीक है ठीक है ब्रदर, अभी ठीक है, बोलिए। थैंक यू, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। ब्रदर धवन, जीसस प्रेज यू, आपका माइक ऑफ हो गया था। हेलो, ठीक, थैंक यू जीसस। सो अगर हम, अगर ब्रदर एंड सिस्टर, आज में जांचना है कि अगर हम अनफॉर्गिवनेस या ऐसे कोई चीज में हैं, तो हमें प्रभु से समा मांगनी है, लाइक यू नो, समा किस तरह से, रिपेंट कैसे थे। परमेश्वर ने तो सारा चीज कर दिया है, हमें परमेश्वर के वचन पर आना है कि मैं परमेश्वर में नया लिया हुआ हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर ने स्वयं मेरा अभिषेक किया हुआ है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को मुझ में डाला है, उसी प्रेम के द्वारा अगर हमारे जीवन में किसी के लिए हेट्रेड, बिटरनेस, अनफॉर्गिवनेस, उस व्यक्ति को हमें क्षमा करना है, रिलीज करना है, ब्लेस करना है, ब्लेसिंग्स डे ब्लेस करना है, देन और परमेश्वर के प्रेम को एक्टिवेट करना है, तब जाके हम देखेंगे कि हमारे लाइफ में हम परमेश्वर के चीजों, जैसे कि लुका हम 10:27 में देखा कि सबसे टॉप मोस्ट परमेश्वर ने, कि परमेश्वर स्वयं प्रेम है, उसने कर दिया, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज गॉड, सच में ब्रदर, ये वाला वचन में, ये वचन में ब्रदर, इसमें आत्मा, शरीर और प्राण तीनों आता है, आत्मा से भी हमको प्रेम करना, शरीर से भी और प्राण से भी। प्रेज गॉड, हाँ, तीनों आता है, प्रेज गॉड, ये तीनों चीज से परमे, और साथ में उन्होंने ये भी, तेरी अपनी सारी शक्ति, स्ट्रेंथ यानी स्पिरिचुअली, फिजिकली, शरीर में ही होगा ना ब्रदर, वो तो हाँ, सब चीज हाँ, होगा, हाँ, यस, सब ब्रदर, कुछ आ गया उसके अंदर। प्रेज गॉड, और हाँ, सेकंड चीज में हम बोलते हैं, हम लोग का, जैसे हम लोग हाँ, बने हैं एक मनुष्य हाँ, जैसे बना हाँ, है आत्मा, प्राण, शरीर से, ये तीनों चीजों चीज आ जाता है वचन हाँ, इसलिए बहुत अच्छा, बहुत हाँ, कि उसके अंदर प्रभु ने बोला, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर इस यही चैप्टर के में अगर हम आगे जाते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, इसमें 30वें वचन को निकालिए आप जी, 30 से 42 तक, ये चैप्टर 10 है, 10 का 30 से 42 तक। मैं पढूं? हाँ, मैं पढूं ब्रदर? हाँ, 30वें वचन से पढ़िए सिस्टर जी। यीशु ने उत्तर में कहा, देखो एक व्यक्ति यरूशलेम से यरियो, क्या जेरिको, यरियो यरियो जा रहा था कि वह डाकुओं से घिर गया, उन्होंने सब कुछ छीन कर उसे नंगा कर दिया और मारपीट कर उसे अधमारा छोड़कर वे चले गए। अब संयोग से उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, जब उसने इसे देखा तो वह मुंह मोड़ कर दूसरी ओर चला गया। उसी रास्ते होता हुआ एक लेवी भी वहीं आया, उसने उसे देखा और वह भी मुंह मोड़कर दूसरी ओर चला गया।
किंतु एक सामरी जी सॉरी किंतु एक सामरी भी जाते हुए वही आया जहां वह पड़ा था। जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो उसके उसके लिए उसके मन में करुणा उपजी। सो वह उसके पास आया और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांध दी। फिर वह उसे अपने पशु पर लाद कर एक सराय में ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। अगले दिन उसने 2 दिनारी निकाली और उन्हें सराय वाले को देते हुए बोला, इसका ध्यान रखना और इससे अधिक जो कुछ तेरा खर्च होगा जब मैं लौटूंगा तुझे चुका दूंगा। यीशु ने उसे कहा, बता तेरे विचार से डाकुओं के बीच गिरे व्यक्ति का पड़ोसी इन तीनों में से कौन हुआ? प्रेज गॉड। न्यायशास्त्री ने कहा, वही जिसने उस पर दया की। इस पर यीशु ने उससे कहा, जा और वैसा ही कर जैसा उसने किया। बस सिस्टर यहाँ तक ही। प्रेज गॉड। तो हम कभी बोलते हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यानी पड़ोसी कोई भी हो सकता है। जब परमेश्वर का एक और वचन है, जब मैं नंगा था तब तूने मुझे कपड़ा दिया, जब मैं भूखा था तो तब तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तो जब तूने मुझे पानी पिलाया। तो हम बोलते हैं हमने कब ऐसा किया प्रभु आपके लिए? तो परमेश्वर ने कहा, जब तू में से कोई भी एक छोटे व्यक्ति के लिए अगर कुछ करता है तो तूने मेरे लिए किया, राइट? तो यही परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ पे वो जो सामरी, यानी इंग्लिश में देखेंगे तो सैमरिटन उस टाइम पर बोला जाता है कि बहुत ही उनको एक अलग से ये उनको इतना वो नहीं था, छोटा देखते थे, हाँ, छोटा माना जाता था सिस्टर ये, हाँ। तो लेकिन देखो रास्ते में पहले एक प्रीस्ट गया, प्रीस्ट ने उसके हालत पे अरे बेचारा ऐसा है कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवाई उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। तो हम भी कभी कभार क्या करते, कोई लोग तो देखते उसके हालत के ऊपर पीटी दिखाते हैं, लेकिन उस पे तरस। लेकिन जब अगर एक्शन का बात आता है समटाइम हम तो हम पीछे हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये थे, उसने उसे कहा तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर यानी हम अगर उस व्यक्ति के लिए अगर जो कुछ भी कर सकते हैं हमारे से तो हमें वो करना चाहिए, राइट सिस्टर? जी प्रेज गॉड। जैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया, जैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति किसी के लिए अपना जान देगा क्या? नहीं, अपने करीबी भी नहीं देंगे, अपने फैमिली मेंबर भी नहीं देंगे। वो अपने लिए पैसा खर्चा कर सकते हैं डॉक्टर के पास अगर कुछ ऐसा है, लेकिन अपने लिए जान कोई नहीं दे। सिर्फ प्रभु यीशु ने इस पूरे संसार के लिए जो भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन। प्रेज गॉड। यानी प्रभु ने सब कुछ कर दिया है, हमें उसे जानना है, से लेना है, हमारी अथॉरिटी हमारे प्रॉमिसेस को आत्मिक उससे। लेकिन वो आत्मिक के एक प्रिंसिपल्स है, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल को, नियम ना, प्रिंसिपल। सिस्टर निशा प्रिंसिपल, हाँ
नियम नहीं, नियम तो वो उसे हमें अभी कोई चीज है वो उसे हमें सीखना है, तो उसको सीखने के लिए उसे उसका नियम वगैरह सीखना पहले जरूरी होता है। इस तरह से आत्मिक प्रिंसिपल को सीखना हमें बहुत जरूरी होता है। तो आत्मिक में अगर कोई नवा व्यक्ति जैसे कि परमेश्वर को जानता है उसका फाउंडेशन, तो फाउंडेशन यही है उसके मन का नवीनीकरण परमेश्वर के वचन के से होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके अंदर से सारी चीजें निकलेगी, जैसे कि अभी मैंने आगे बताई घमंड, ये प्राइड, सेल्फ राइटियसनेस, असमा। तब परमेश्वर का आत्मा तो उससे ऑलरेडी यूनाइटेड हो चुका है जैसे उसका न्यू बॉर्न अगेन हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें जो डब्बे है वो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है परमेश्वर की आवाज को सुनने। तो परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। आमेन। तो आज का ये वचन में यही कि अगर कोई अपने हमारे ब्रेक थ्रू के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना कर रहा है और उसे वो अगर वो जवाब नहीं मिल रहा है या अगर वो नहीं है, तो हमें इस चीज पे एकांत में बैठ के परमेश्वर से क्या ऐसी चीज है जो जिसके कारण मुझे मेरा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, मुझे हीलिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सारी चीजें कर दी है, राइट? इट इज फिनिश्ड, इट इज इन इन द स्पिरिट, हमारे अकाउंट में सारे चीज डिपॉजिट कर दी है। जैसे हमारा बट हमें वो लेना है। रोमन 4:17 में भी अनसीन टू सीन बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप, ये जैसे हम हमेशा सिस्टर हर टीचिंग में बोलती है सिस्टर सांता कि ये एक दिन का तो नहीं है, सेम ये प्रोसेस है, राइट? ये प्रोसेस से हमें जाना है हर दिन हमें में, तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि हमारे कौन सा पॉइंट्स, और मेन है सब बातों के ऊपर परमेश्वर का प्रेम। प्रेम का फ्यूज ऑलवेज पापा जैसे बोलते हैं कि हमारे प्रेम का फ्यूज एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही सब बातों से ये होता है। क्योंकि प्रेम, और ये प्रेम कब होगा? जब हम परमेश्वर में रूटेड रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे परमेश्वर के वचन को दिन रात, यहोशू 1:8 जो कहता है उसे करेंगे। ब्रदर एंड सिस्टर, ये ही पवित्र आत्मा की तरफ से मैं आज, जो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, थैंक यू जीसस, जो अगर कुछ मेरे अगर अच्छे से बताया, प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, कुछ अगर जो अगर कुछ अगर इस पर वर्ड ऑफ गॉड ना हो तो भी इस पे ही बताइए, तो मैं और हम लोग इस पे मैं सेंड पर कर सकता हूँ। अगर मैंने कुछ अगर इस पर वर्ड ऑफ गॉड ना बताया हो सिस्टर सांता, ब्रदर क्लेडियस, सब वचन से बताया ब्रदर, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हाँ, मुझे इसमें एक ये बोलना है, वो जो हम लूक 10 हम वो देख रहे थे 27 10:19 पहले स्टार्टिंग में पहले, हाँ 10:19 देखो मैंने, तो हाँ सॉरी पढ़ू क्या? नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। सुनो, सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले रौंदने और शत्रु की समूची शक्ति पर प्रभावी होने का सामर्थ्य मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम्हें कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। प्लीज गॉड, थैंक यू जीसस। इसके पहले जैसे पवित्र आत्मा ने ब्रदर के थ्रू बताया कि हमें परमेश्वर का वचन हमें दिन रात मनन करना है, उनको स्टडी करना है, और ये एक दिन में नहीं होगा, ये समय हर दिन परमेश्वर के साथ बैठना है, ये प्रोसेस है, राइट? जैसे कि आप एक दिन में, अगर आप मिस्टर निशा को पता होगा, एक दिन में आप खाना नहीं बनाने सीखे, राइट? आप हर दिन खाना बनाते गए, जैसे घर बनाते होंगे, राइट सिस्टर? यस, तो यस सिस्टर, प्रेज गॉड। अगर एक चीज नहीं हो रहा है, तो अगर आप
वही काम अगर रोज आप करते हो करते हो करते हो करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, आप देखते हो कि आप वो सीख रहे हो धीरे धीरे, या अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो क्या वो होगा, वो काम होगा नहीं, राइट? प्रेज गॉड, परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, जैसे पवित्र आत्मा हमें हमें बताते हैं, हमें सिखाया है उन्होंने कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। अच्छा, अब पर मेरा 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 ये है कि मुझे स्विच ऑन करना है लाइट। परमेश्वर, क्या हमने, आप और मैंने, क्या ये क्या हमने ये बत्ती बनाई, लाइट बनाया? नहीं, राइट? परमेश्वर ने बनाया, राइट? हमने बनाई यस है? नहीं, राइट? नहीं हमें ये दे दिया गया है, राइट? यस तो जब हम कमरे में, जब हम अंदर आते हैं और हम बोलेंगे परमेश्वर आप ये बत्ती जला दीजिए, तो क्या परमेश्वर बत्ती जलाएंगे? नहीं, हमें स्विच ऑन करना है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, हम वो स्विच बोर्ड को ऑन करते हो, वैसे अंधेरा जो रहता है वो चला जाता है और क्या होता है, प्रकाश हो जाता है, रोशनी होती है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमें हर दिन पवित्र आत्मा हमें सत्य बताते हैं, उनका वो वचन में लेके जाते हैं तो हमें सत्य बताते हैं, और ये हर दिन का है। मैं जब से मैं जुड़ी हूँ, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, तो तब से लेके अभी तक मैं हर दिन नए नए मैं सीख रही हूँ, प्रेज गॉड। और जब भी मुझे पवित्र आत्मा कुछ सिखा, जब भी पवित्र आत्मा सिखाते हैं, मैं बोलती हूँ वाह, रियली सच में ये इतना गहराई है, मैंने कभी ऐसे देखा नहीं है। तो ये कैसे होता है? ये वचन से होता है। और मेरा वही सोच जो पहले जो कोई भी डाउट रहता था, तो अभी मुझे समझ में आता है कि वो चीजें क्या थी। तो ये कैसे मेरा सोच बदल रहा है? ये मेरा परमेश्वर के वचन के थ्रू मुझे पता चल रहा है, और मेरा वो सोच बदल रहा है। परमेश्वर के वचन से मेरा सोच बदल रहा है। जो भी पुराना सोच है वो अभी मेरा माइंड रिन्यू हो रहा है। मेरा माइंड हमेशा हर दिन रिन्यू होना है, राइट? हमें हमेशा हमें मेरा मन का मुझे मेरा मन को बदलना है परमेश्वर के वचनों से। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि आप ये कीजिए ये कीजिए। कोई दूसरा चेंज, कोई दूसरा जो भी कैसा भी कर रहा हो, उसे चेंज नहीं होना है। सबसे पहले मुझे मुझे चेंज होना है, मुझे अपने आप को पहले बदलना है। पर मैं अपने आप को बदलने के लिए क्या करूंगी? मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए। उनका परमेश्वर के वचन से ही मेरा मन बदलता है, मेरा सोच बदलता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो इसमें लूका 10:19 में इसमें मुझे ये बोलना था कि जैसे ब्रदर बता रहे थे, पवित्र आत्मा ब्रदर के थ्रू बता रहे थे कि सांपों और बिच्छू के सोचो ऊपर हमें मेरा परमेश्वर ने बच्चा अधिकार दिया है, मेरा के ऊपर। प्रेज गॉड, थैंक यू बेटा जीसस। थैंक यू सांप और बिच्छुओं को सुनो, सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले रौंदने और शत्रु की समूची शक्ति पर प्रभावी होने का सामर्थ्य मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम्हें कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे ये वचन से मुझे याद आया, हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है, पर हमें उस पर हमें ऐसे नहीं कि हमें वो जाके वो सांप को पकड़ना है ऐसे हाँ एक बार डोंट टेस्ट द आप गॉड जी परमेश्वर को टेस्ट मत करो कि लाइक कि मुझे तो है कि मैं अगर इस बार रास्ते में ये वचन दिया हुआ है मैं बिना देखे गए रास्ता क्रॉस करूं ऐसे प्रेज गॉड। तो मुझे याद है पापा बताते कि आप वो सिस्टर को बोल रहे थे कि आप वो जो भी ये है, आप सांप को अपना बैग में नहीं डाल मत डालो। अगर सांप को बैग में डालोगे तो क्या करेगा? सांप आपको काट खाएगा, राइट? काटेगा प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। पर परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छू के ऊपर अधिकार दिया है, पर हम इसको इतना ये में नहीं ले, बल्कि रियली प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ये सामर्थ उनने हमें दिया है, हमें अधिकार दिया है प्रभु यीशु ने। तो हम सांप से नहीं खेले, और
यस सांप जो है वो जानवर ये सबसे, पर ये जो ये क्या बोलते हैं, पर ये जो एडिक्शन है ये सबसे भी हमें परमेश्वर परमेश्वर जो लत है वो सबसे भी उन्होंने हमें ये किया है, राइट, प्रेज गॉड। तो पर जो मेन है, जो सबसे महत्व है वो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, वो परमेश्वर का वचन है, प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही मैं वो शत्रु को हरा सकती हूँ ना, हाँ मैं परमेश्वर के वचन से वो शत्रु से लड़ सकती हूँ। जैसे ब्रदर बोल रहे थे कि जो भी आता है जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खा रहा है, प्रेज गॉड, और जो भी सोच आ रहा है मुझे उसको अरेस्ट करना है, मुझे उसको रिब्यूक करना है प्रभु यीशु के नाम से, राइट, प्रेज गॉड। वो जो सोच को अरेस्ट करना है और उसको बोलना है प्रभु यीशु के नाम से ये करने, उसके बाद खत्म नहीं होता है, मुझे परमेश्वर के साथ वक्त बिताना है। जैसे जैसे मैं वक्त बिताती हूँ उनके साथ, पवित्र आत्मा मुझे सिखाते हैं, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यस ब्रदर एंड सिस्टर, मैं यही बोलना चाहती थी, मैं कहीं मैं दूसरे और तो नहीं चली गई ना। नहीं, और कोई को कुछ कहना है सिस्टर निशा? हाँ नहीं ब्रदर, बहुत अच्छा, किसी की गवाही प्रेज गॉड, वगैरह कुछ? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। नहीं ब्रदर, आ रहा है गवाही। आमेन आमेन। एक और एक चैप्टर स्क्रिप्चर है रोमन्स 5:5, टोमी इसे हाँ मैं निकाल रही हूँ, परमेश्वर का प्रेम हम हाँ, हमारे अंदर डाला गया। हाँ और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। राइट, प्रेज तो परमेश्वर का गॉड, प्रेम अगर हम दे कि परमेश्वर ने हमको का प्रेम अगर हम ये वचन को देखिए बार बार प्रेस करेंगे सकते कि परमेश्वर ने हमें उसके प्रेम से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाल दिया गया है। थैंक यू जीसस, लॉर्ड यू हैव फिल्ड अस विद योर, पोर आउट योर लव। परमेश्वर ने हमें हमारे हमें उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाल दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति है जो बोलता है कि अगर है कि परमेश्वर के प्रेम में चलने के लिए मैं मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है कुछ ये नहीं है नहीं परमेश्वर का प्रेम नहीं, ऐसा एक व्यक्ति में तो ये स्क्रिप्चर वो बार बार ये कर सकता है। राइट सिस्टर, प्लीज कॉल, और ये एविडेंस है कि जब उनमें हो गए तो ऑलरेडी उन्होंने हम कभी हम सेंसेस पे जाते हैं कि मुझे तो ऐसा कुछ क्योंकि हमें ऐसा सेंसेस में अगर हम फिजिकल सेंसेस पे जाएंगे फिजिकल सेंसेस हमें मार देगा। हमें आत्मिक रूप से ये बोल रहा है कि उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में उंडेल दिया है डाला गया है ऑलरेडी डाला हुआ है पर प्रभु यीशु ने सारा चीज कर दिया है सिर्फ हमारे पर एक कन्फेशन से कन्फेशन अंगीकार करते वो जब वो करते हैं और ये वचन को भी हम बार बार बोलते थे प्रभु यीशु थैंक यू प्रभु यीशु परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर डाल दिया गया है परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाल दिया गया है। या तो कोई स्पिरिट जो कोई व्यक्ति है हमारे जो हमारे अगेंस्ट आ रही है तो हम ये बोल सकते हैं रोमन 5:5 के स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा हम पर है परमेश्वर का आत्मा रहे। सही है ना सिस्टर शांता सिस्टर निशा हाँ हाँ हमें अभिषेक किया गया है वही परमेश्वर का प्रेम जो मुझ में पवित्र आत्मा ने डाला है वही प्रेम के द्वारा परमेश्वर आप ये व्यक्ति को भी छुइए ये व्यक्ति को भी आप ब्लेस कीजिए रिलीज कीजिए। राइट सिस्टर शांता हाँ हम उस तरीके से क्योंकि हमें उस व्यक्ति को नहीं छोड़ना है उसे पकड़े रहना है लेकिन उस स्पिरिट को बाइंड करना है उस स्पिरिट को रिब्यूक करना है उसे कास्ट आउट करना है प्रेज गॉड, कास्ट आउट टू द सी नेवर कम बैक।
प्रेज गॉड। तो ये रोमन 5:5 बहुत बड़ा है कि पर 11:23 हाँ जी बस, और तो आज प्रेज की गवाही रहेगी या आपको सिस्टर सांता जी जो शेयर करना था ब्रदर मैंने बोल दिया। अच्छा प्रेज गॉड। तो क्या अभी आज का हम प्रेज गॉड पवित्र आत्मा ने आपके थ्रू बहुत अच्छे से बताया। यस सिस्टर प्रेज गॉड ग्लोरी टू गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड थैंक यू जीसस। सिस्टर निशा आपको आपको कोई शेयर करना है, आपको गवाही देना है? नो सिस्टर प्रेज गॉड थैंक यू जीसस गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड थैंक यू जीसस। तो फिर सिस्टर निशा आप क्लोजिंग प्रेयर कर देंगे। हाँ सिस्टर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जिसमें हम जीवित भले चंगे स्वस्थ पाए जाते हैं, क्योंकि ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु, जो हमारे लिए प्रति भोर नहीं होती जाती है। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर कि आपने हम सब से इतना प्रेम किया। सचमुच में आज हम सब ने सीखा कि हमें भी सारे मन सारे अपने प्राण अपनी सारी शक्ति और अपने सारे बुद्धि से आपसे प्रेम करना है, जैसा सामरी व्यक्ति ने उस घायल मनुष्य के साथ रखा, जैसा प्रभु यीशु आपने हमसे प्रेम किया। आज प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ आपने कर दिया है और प्रभु आपका आनंद ही हमारे लिए बल है, हमारे जीवन के लिए बल है प्रभु। इस सब बातों को हमने सीखा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन आशीषों के लिए। हम अब आपके वचन के द्वारा सीख रहे थे प्रभु आज कि आपने हम सबको अधिकार दिया है, सांपों पर बिच्छुओं को रौंदने के लिए प्रभु अधिकार दिया है, और प्रभु इसलिए हमें जो हमारे विरोध में आता है आज हमारे विरोध में खड़ा होता है प्रभु, हम उनको उन हानि से नहीं डरते क्योंकि वो हमारी हानि नहीं पहुंचा सकती क्योंकि आपने अपने वचन में वादा किया है। इसलिए अब हम दिन रात परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और परमेश्वर के वचन को जानना सीखना समझना चाहते हैं, इसलिए हम अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन में मनन चिंतन करते हैं ताकि हमारे सारे प्रॉब्लम तकलीफ मुसीबत के समय शैतान की बुरी बातों या परीक्षाओं के समय हम खड़े रह सके, दृढ़ता से परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ खड़े रह सके हर परीक्षा के समय प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता की हर एक जो अंधकार में आज हम जिस एरिया में भी आज हमारे जीवन में अंधकार है वहां पर भी आपका वचन का रोशनी बन के आपका वचन हमारे जीवन को उस अंधकार से निकाल रहा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपका सामर्थ हमारे साथ है, हर पल हर क्षण हमें शक्ति देता है, आपका आनंद सचमुच में हमारा बल बन गया है प्रभु, और हम सब उस बल में प्रभु धीरज के साथ इस जीवन को जीते हैं, धीरज के साथ जीवन जीना सीख गए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच में आज हम धन्यवाद देते हैं जो कुछ भी आपने ब्रदर धवल के द्वारा सिस्टर शांता के द्वारा पवित्र आत्मा आपने सिखाया बताया उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और जितने लोग आगे चल के सुनने और सीखने वाले हैं प्रभु उसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर सारा आदर गौरव महिमा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को देते हैं और प्रार्थना को यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन एक मिनट सिस्टम में।